देखिए इसके सर पे मैंने हाथ रखा। यह है ग्रीनलैंड सबुज द्वीप, इच्छा से भरा हुआ और चारों तरफ बर्फ दिखाई दे रहा है। तैयार नहीं है लेकिन रात में बहुत ही एक्टिव रहते हैं ये प्यारा स्नेक है। देखिए नमस्कार दोस्तों, इस सांपों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। उसी सिलसिले में उसी अंदाज में स्नेक रेस्क्यू स्क्वाड आप लोगों के सामने हाजिर है और साथ में मैं हूँ अर्पण मजुमदार। तो दोस्तों इस कोबरा को देख के आप लोग समझ सकते हो आज हम लोग स्नेक को रिलीज करने जा रहे हैं और बैग में और भी काफ़ी सारे स्नेक है, इस बैग में भी है। और दोस्तों आज हम लोग नाव में जा रहे हैं, इसका भी कुछ कारण है क्योंकि जिस जगह पर हम लोग जाएंगे वो है सबुज द्वीप फेरी घाट, वेस्ट बंगाल में एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं वेस्ट बंगाल में एक फेमस टूरिस्ट प्लेस में, टूरिस्ट प्लेस जहाँ से जाना पड़ेगा ये है सोमड़ा फेरी घाट, सुकुड़िया फेरी घाट। इस जगह से ही सबुज द्वीप ग्रीनलैंड में नाव के सहारे ये बोट के सहारे जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग सबुज द्वीप होके ही गुजरेंगे और जहाँ पे हम लोग स्नेक को रिलीज करते हैं जिस फॉरेस्ट में आप लोगों को ग्रीनलैंड दिखा के ही जाएंगे। तो दोस्तों गांव में देखिए अलग अलग तरीके से फिशिंग किया जाता है। ये जो आगे है इसके अंदर ही बड़ा बड़ा पेड़ का जो डाली होता है उसके अंदर डालते हैं और चारों तरफ बाम्बू से उसको एक घेरा बनाते हैं, फिर उसमें चारा डालते करीबन एक महीना डेढ़ महीना, उसके बाद काफ़ी सारे फिश बड़ा बड़ा जो मछली होता है वो आता है खाने के चक्कर में और इधर ही रह जाता है। बाद में इसको नेट से और एक घेरा बनाते और अंदर हाथ डाल के फिशिंग करते हैं। और ये भी देखिए दोनों तरह से जो बम्बू है उसके ही साइड से नेट लगाया जाता है और इसको पानी में डुबा के रखते हैं और उसके बाद जब धीरे से ऊपर करते हैं तो जितना मछली है सब इस नेट के अंदर आ जाता है। अभी नेट खुला हुआ है। तो दोस्तों पहला वाला जो फेरी घाट था शायद इस साल से बंद हो जाएगा और आप लोगों के सामने जो जेटी दिख रहा है शायद 2023 से इस जेटी से ही नाव के सहारे आप लोगों को इस तरफ देखिए जो ग्रीनलैंड है वेस्ट बंगाल में फेमस सबुज द्वीप जो पिकनिक स्पॉट है आगे है उस जगह पे जाना पड़ेगा। और सच में वेस्ट बंगाल में बहुत ही फेमस है, ठंडी के मौसम में ज़्यादा लोग इस जगह पे घूमने के लिए आता है, पिकनिक करने के लिए आता है और पूरा पेड़ से चारों तरफ सजा हुआ है ग्रीनलैंड। ये एकदम गंगा के बीच है, दोनों साइड से गंगा है और बीच में ही ग्रीनलैंड। तो चलिए उसके आगे से ही हम लोग जाएंगे तो आप लोग एक बढ़िया सा नज़ारा देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग सबुज द्वीप के पास है, यह है ग्रीनलैंड सबुज द्वीप, वेस्ट बंगाल में बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन हम लोग सबुज द्वीप नहीं जा सकते क्योंकि अंदर काम चल रहा है और हम लोग जाना भी नहीं चाहते क्योंकि हम लोगों को और भी काफ़ी दूर डीप फॉरेस्ट में जाना है स्नेक को रिलीज करने। तो उस तरफ है हमारा फॉरेस्ट और भी काफ़ी दूर। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और नज़ारा अलग सा ही होगा क्योंकि आज जिस फॉरेस्ट में हम लोग स्नेक रिलीज़ करेंगे आज फर्स्ट टाइम जा रहा है उस फॉरेस्ट में। तो दोस्तों देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है ग्रीनलैंड का, नेचर से भरा हुआ और चारों तरफ बर्फ दिखाई दे रहा है और उसके अंदर ही काफ़ी सारे रूम बन रहे हैं और रहने के लिए होटल भी है, रिसोर्ट भी है। तो आप लोग जनवरी दिसंबर में कभी भी आ सकता है, दोनों ही महीना पिकनिक के लिए बेस्ट है या घूमने के लिए। और दोस्तों आज स्नेक रेस्क्यू स्क्वाड में और भी काफ़ी सारे मेंबर है, देखिए ये है संदीप, हाय, हर टाइम कैमरा के पीछे ही रहते हैं और उसके ही पीछे है तमाल मेरा फ्रेंड, ये भी स्नेक रेस्क्यू स्क्वाड का एक मेंबर है। और एकदम पीछे जो नाव लेके दिख रहा है वो है आकाश, वो भी स्नेक रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर है और
स्नेक भी रेस्क्यू करते हैं। इससे पहले जो रसल बर्ड था मेरे घर में देखे गया था वो आकाशी था। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। आज मुझे भी मौका मिल गया है पूरा वीडियो करने के लिए। देखिए कितना बड़ा नज़ारा है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग इस पर आ गए हैं और स्नेक को बैग में डाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया नेचर है। तो इस जगह से हम लोगों को और भी काफ़ी दूर जाना पड़ेगा स्नेक को रिलीज करने के लिए। तो उसके बाद आएगा डीप फॉरेस्ट। तो आप लोग वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा चलते उसके बाद एक डीप फॉरेस्ट देख के सारी स्नेक को आज उसके नेचर में रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं डीप फॉरेस्ट में और सारी स्नेक को एक एक करके रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले दो नॉन पॉइजन कॉमन वुल्फ स्नेक को हम लोग रिलीज करेंगे। देखिए ये दोनों कॉमन वुल्फ स्नेक है और दोनों ही बिल्कुल नॉन पॉइजन स्नेक है। देखिए उसके बाद हम लोग एक बेबी रसल वाइपर को रिलीज करेंगे थोड़ा सा इस तरफ। देखिए ये है बेबी रसल वाइपर। जा चलिए, उसके बाद एक ब्रोंज बैक ट्री स्नेक को ट्री पे रिलीज करेंगे और इसका नज़ारा देखिए बिल्कुल अलग रहेगा। कैमरा नज़दीक लाओ। देखिए देखिए इसका नज़ारा बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही प्यारा स्नेक है, हम लोग हर टाइम करते हैं। ये प्यारा स्नेक है, देखिए इसको मैंने रिलीज़ किया है लेकिन अभी तक गया नहीं। अभी इसका स्पीड देखिए, अभी वो मिलेगा ही नहीं।
काफ़ी फुर्तीला स्नेक है। देखिए नेचर में आते ही कितना खुश हो गया, उसके बाद छोड़ता हूँ। बाबा रुक जा, इसको ही छोड़ता हूँ, जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो एक इंडियन रेड स्नेक है, ये भी बिल्कुल नॉन पॉइजन स्नेक है और बहुत ही फास्ट स्नेक है, इसका भी स्पीड काफ़ी तेज है देखिए। और ये बहुत गुस्से में है स्नेक, देखिए देखिए, मिलेगा ही नहीं अभी, इतना स्पीड है इसका। लेकिन ये भी बिल्कुल नॉन पॉइजन स्नेक है और हमारे घर के आसपास ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि बहुत ही कॉमन है। इसके बाद बहुत ही खतरनाक बेबी बैंडेड क्रेट है, इस ये भी न्यूरोटॉक्सिक वेनमस स्नेक है, इसको भी हम इस जगह पे रिलीज कर देते हैं। देखिए ये दिन में इतना एक्टिव नहीं रहता लेकिन रात में बहुत ही एक्टिव रहते हैं। देखिए कितना प्यार से जा रहा है। उसके बाद एक साइलेंट किलर कॉमन क्रेट को हम लोग रिलीज करेंगे और ये भी न्यूरोटॉक्सिक वेनमस स्नेक, और इसके ही काटने पे एशिया पे ज़्यादातर मौत होता है, तो इसको भी इसी जगह पे रिलीज कर देते हैं। देखिए देखिए ये भी दिन में उतना एक्टिव नहीं रहता, ये स्नेक भी रात में एक्टिव रहते हैं और दोनों ही स्नेक दूसरे सांपों को शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं। ये है कॉमन क्रेट और इससे पहले वाला जो था वो था बैंडेड क्रेट। देखिए दिन है इसलिए जाने के लिए तैयार नहीं है लेकिन अभी ये सीधा चला जाएगा। तो लास्ट में हम लोग इस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को रिलीज करेंगे। तो आकाश, मैं आकाश को कहूँगा सारे डब्बा को बैग में पैक करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये सब डब्बा बाद में हमारा सब काम पे आएगा, सभी का ढक्कन लगा लो। तो दोस्तों लास्ट में एक कोबरा बचा हुआ है, इसको भी हम लोग रिलीज करेंगे। तो थोड़ा सा सेफ जोन पे लेके आते हैं इसको, उसके बाद रिलीज करते हैं। देखिए धीरे से मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत ही खतरनाक स्नेक है, इसमें भी न्यूरोटॉक्सिक वेनम रहते हैं। देखिए बिल्कुल अलग सा नजारा, देखिए देखिए कितना खड़ा हो गया। तो दोस्तों देखिए ये कितना गुस्से में है, इसको पता नहीं है कौन इसको बचाने आया है और कौन इसको मारने आया है। तो ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम रहते हैं। जब ये स्नेक गुस्सा या डरा हुआ रहते तब ये हुड लेके खड़ा हो जाता है। और दोस्तों देखिए इसके हुड के पीछे स्पेक्टिकल डिजाइन है, इसलिए इसको इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा नाम दिया गया है। देखिए देखिए और इसको पीछे से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, देखिए देखिए देखिए
इसको पीछे से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, आगे से दिखाई देता है। जितना कोबरा होता है सब आगे से दिखाई देता है, पीछे से बिल्कुल नहीं। देखिए देखिए देखिए, इसके सर पे मैंने हाथ रखा लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको आगे दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही डरा हुआ है। तो चलिए इसको हम इसके नेचर में रिलीज़ कर देते हैं। आजा आजा, आराम से आजा, जा जा, आजा 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 आजा, इस तरफ आजा, जा आराम से जा। देखिए दोस्तों कितने प्यार से ये जा रहा है। देखिए इसको हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे इसको। हाँ, वेरी गुड। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हम लोगों ने स्नेक को किस तरीके से रिलीज़ किया, और जितना स्नेक रेस्क्यूअर है मैं उनको कहना चाहूँगा रिलीज़ के टाइम स्नेक को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। आप लोग दिखाइए लेकिन आराम से रिलीज़ कीजिए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक हमारा सूचना पहुँचे, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और जो हमारे चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि स्नेक वाइल्ड लाइफ में जितने एनिमल्स है उसका रेस्क्यू रिलीज इन्फॉर्मेशन का वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।